नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्विंग ट्रेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक में कौन सा लेवल पे हमें एंट्री लेना चाहिए अगर एंट्री लेना चाहिए तो कौन सा लेवल पे एंट्री लेना चाहिए या तो फिर अवॉइड अभी करना चाहिए इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रेंड्स उससे पहले यहाँ पे ये यह जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है इसका जाकर जरूर वीडियो देख लीजिए जो कि बजाज है बहुत जबरदस्त स्टॉक है अभी सही एक वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है ठीक है ये स्टॉक हुआ यहाँ पे बजाज होल्डिंग हुआ बजाज होल्डिंग में कौन सा लेवल पे आपको बाय करना है वहाँ पे पूरा क्लियरली बताया हुआ है इसके बारे में यहाँ पे कुछ ट्वेंटी स्टॉक का नाम बताया हुआ है जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है

और स्टॉक का अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे यहाँ पे सेवेंटी स्टॉक का ऑल टाइम हाई है स्टॉक का भी ट्रेडिंग हो रहा है फिफ्टी फोर पे लेकिन अगर इसी हिसाब से सा अगर हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे कंपनी किस बिजनेस में है अगर आप आके देखते हैं यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द ट्राइडेंट ग्रुप इज द लीडिंग मैनुफेक्चरिंग ऑफ यथ लाइन बेड लाइन एंड वाइट स्ट्रो बेस्ड पेपर एंड केमिकल पूरा ये, ये सारे इंडस्ट्रीज़ में है यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज के साथ में है उसी के साथ में होम्स टेक्सटाइल है पेपर भी है उसके साथ में है केमिकल इंडस्ट्री के साथ में है तो ये तो टोटली डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे पोर्टफोलियो है तो यहाँ पे इसी हिसाब से अगर कंपनी के ऊपर देखेंगे कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है और ये स्टॉक का देखिए स्टॉक का अगर आप देखेंगे यहाँ पर फिफ्टी टू वीक लो थर्टीन के पास में स्टॉक का फिफ्टी टू वीक लो है और स्टॉक सेवेंटी रुपीज़ तक का यहाँ पे ट्रेड हो चुका है और स्टॉक में अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक भारी एक तेजी देखने को मिला है कुछ साल में कोविड के बाद में यहाँ पे तो थ्री पॉइंट फाइव रुपीज के पास में हो था, कुछ साल तक तो स्टॉक बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा था लेकिन इसमें इतना अचानक भारी तेजी आया यहाँ पे और स्टॉक से फिफ्टी तीन, फोर तीन रुपीज, रुपीज पे अभी बिल्कुल आ चुका है तो मतलब एक कुछ ही दिनों में कुछ ही मंथ में स्टॉक में भारी रिटर्न देखने को मिला है तो लेकिन अभी क्या है अभी रिटर्न इसमें एंट्री लेना चाहिए कि नहीं एंट्री लेना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे इसी हिसाब से अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी में लगातार यहाँ पे रिजल्ट में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है यहाँ पे 1405 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था सेल्स अभी उन्नीस करोड़ का सेल्स हो चुका है सेल्स में तो बढ़िया ऐसा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है अभी तक सब का सबसे हाइएस्ट है डिसंबर का क्वार्टर में अभी तक का जो भी सेल्स कंपनी ने पोस्ट किया रेवेन्यू पोस्ट किया है सबसे हाइएस्ट रेवेन्यू पोस्ट किया है नेक्स्ट तो अगर हम चेक करेंगे कंपनी में नेट प्रॉफिट के बारे में नेट प्रॉफिट भी टू फिफ्टी करोड़ का नेट प्रॉफिट सॉरी बिफोर टैक्स है नेट प्रॉफिट के बारे में अगर बात करेंगे यहाँ पे 209 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है नेट प्रॉफिट भी बढ़िया सा यहाँ पे लास्ट चार क्वार्टर में बहुत जबरदस्त यहाँ पे लास्ट तीन क्वार्टर में बहुत जबरदस्त नेट प्रॉफिट देखने को मिला है यहाँ पे 204 करोड़ का था यहाँ पे 229 करोड़ का था उसके बाद में यहाँ पे 209 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है जो कि अभी जबरदस्त नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है लास्ट चार क्वार्टर का अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट सात करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है जो कि अब तक का सबसे हाइएस्ट है कंपनी ने कुछ साल में कितना जबरदस्त यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट लाया देख लीजिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 56 करोड़ यहाँ पे 67 उसके बाद में यहाँ पे माइनस फोर्टी फोर आया था उसके बाद में लगातार यहाँ पे रिजल्ट में इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है लगातार उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स में भी लगातार इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है नेक्स्ट अगर बैलेंस शीट जाके चेक करते हैं कंपनी के पास में यहाँ पे रिजर्व भी अच्छा सा एक रिजर्व है थ्री थाउजेंड सिक्सटी करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास में रिजर्व है तो रिजर्व भी हर एक साल में यहाँ पे रिजर्व इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है तो उसी के साथ में अगर बोरोइंग की बात करेंगे कंपनी 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 के ऊपर पे पे एक एक पॉजिटिव चीज है बोरोइंग धीरे धीरे लोन रिपे करके यहाँ पे डेट फ्री की तरफ बढ़ रहा है ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी में ठीक है यहाँ पे अगर देखेंगे पैंतीस सौ करोड़ का बोरोइंग था उसके बाद में यहाँ पे देखिए तो उसके बाद में अट्ठाईस सौ करोड़ है धीरे धीरे यहाँ पे यहाँ पे अट्ठाईस सौ उसके बाद में यहाँ पे 2400 थाउजेंड यहाँ पे उन्नीस उसके बाद में पंद्रह उसके बाद में 1326 सौ छब्बीस यहाँ पे हर एक ईयर में यहाँ पे बोरोइंग धीरे धीरे कंपनी ने लोन पेमेंट करते जा रहा है ये बहुत बढ़िया है उसी के साथ में उसी के साथ में अगर हम यहाँ पे कैश फ्लो भी देखते हैं कैश फ्लो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे कैश फ्लो भी एक्टिविटी बहुत बढ़िया है तो यहाँ पे फोर करोड़ का कैश फ्लो एक्टिविटी है उसी के साथ में यहाँ पे बारह करोड़ का है तो ठीक है तो उसके साथ में अगर हम आके देखते हैं यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग का यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रमोटर के पास में सेवेंटी टू पॉइंट यहाँ पे नाइन फोर परसेंटेज का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है जो कि बढ़िया है सबसे हाईएस्ट होल्डिंग प्रमोटर के पास में है ट्रेडेंट ग्रुप के पास में उसी के साथ में एफ के पास में थोड़ा सा कम हिस्सेदारी है टू पॉइंट फोर एट है लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे एफ के पास में वन पॉइंट सिक्स परसेंटेज था लेकिन एफ ने धीरे धीरे यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया है तो यहाँ पे टू तक आ चुका है नेक्स्ट अगर हम प्रोमोटर के पास में देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल रिटेल पब्लिक के पास में कितना है यहाँ पे ट्वेंटी परसेंटेज से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वन एट परसेंट को अगर निकल देंगे टू परसेंट को यहाँ पे अराउंड नाइनटीन परसेंटेज का पब्लिक रिटेल पब्लिक के पास में है जो कि जिनका हिस्सेदारी वन परसेंट से कम है तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कंपनी का मेन जो चार चीज़ हम फोकस करते हैं आप सबको पता है कंपनी में लो डेट होना चाहिए कोई एक कंपल्सरी फैक्टर है तो यहाँ पे कंपनी जीरो से भी लो डेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डेट मैनेजेबल है तो उसके साथ में अगर हम देखेंगे कंपनी का यहाँ पे आर ओसी टेन है तो यहाँ पे लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है कंपनी बहुत बढ़िया से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो यहाँ पे आगे बहुत बढ़िया सा इंप्रूवमेंट आ सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे सारे यहाँ पे सेल्स भी जबरदस्त ग्रोइंग हो रहा है उसके साथ में नेट प्रॉफिट भी जबरदस्त ग्रोइंग हो रहा है ठीक है लेकिन एक फैक्टर यहाँ पे जो खटक रहा है कंपनी ने एक साल में जबरदस्त तेजी दिखाया है जो कि तीन सौ परसेंटेज का रिटर्न देखने को मिला है जो जिस हिसाब से स्टॉक जिस हिसाब से भागा है तो अभी आपको क्या लगता है इस स्टॉक में इस लेवल पे एंट्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए तो उसी के साथ में अगर हम जाके चेक करेंगे इसका फंडामेंटल अनालिसिस अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर किसी हिसाब से यहाँ पे हंड्रेड डे का मूविंग एवरेज है रेड कलर का जो लाइन है हंड्रेड डे का मूविंग एवरेज है तो यहाँ पे कैसे क्या मूविंग एवरेज सेट करते हैं यहाँ पे हंड्रेड ए का मूविंग एवरेज है जो उसके साथ में कलर भी हम चेंज कर सकते हैं ठीक है इसे कैसे कैसे क्या सेट करते हैं तो अगर आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे टू हंड्रेड का मूविंग एवरेज है जे? निकल करके कौन सा लेवल आता है ये अगर आपको सीखना है यहाँ पर बिल्कुल आप फ्रीली सीख सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप प्ले में आएंगे तो यहाँ पे यह दोनों जो प्ले लिस्ट अलग अलग बनाया हुआ है आप ये दोनों प्ले को पूरा देख लीजिए अगर कम्प्लीटली अभी तीन चार दिन की छुट्टी है अगर ये तीन चार दिन छुट्टी में ये दोनों प्ले को पूरा कम्प्लीटली देख लेंगे ना आपको स्टॉक मार्केट में कहीं पर कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आप इजीली सारे कुछ सीख सकते हैं और सारे कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टडी है फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है आप सब चेक कर सकते हैं फ्रीली आप खुद को थोड़ा सा टाइम देना है मैं टाइम मैनेज करके ये सारी चीज खुद सीख सकते हैं उसके साथ में पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है कितना स्टॉक लेके चलना है यहाँ पे पोर्टफोलियो मैंने रिव्यू किया है उसके साथ में जेनवन व्यू भी दिया है कि आपको पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक रहना चाहिए सारे वीडियो देख सकते हैं उसी के साथ में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो स्विंग ट्रेड स्टॉक्स मैंने बताया हूँ एक्चुअल उसने प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया मैं वैसे ही बोल रहा हूँ ठीक है आप जाके जरूर बैक टेस्ट कीजिए क्योंकि आप अगर मेरी बात पे मेरा वीडियो देख के अगर आप कुछ सीख रहे हैं किसी ये कर रहे हैं उसके साथ में बैक टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है कि एक्चुअल एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ ठीक है स्विंग ट्रेड में ऐसे होता है कभी कभी वन मंथ्स में अपना दो तीन स्टॉक का टारगेट भी अचीव हो जाता है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है एक एक महीना एक एक छह महीना तक भी स्टॉक होल्ड करना पड़ सकता है ठीक है इससे हमारा पोर्टफोलियो में वैसे काफी सारा स्टॉक है जो कि छह छः छह महीने से होल्ड करके रखे हैं लेकिन ऐसे काफी सारे स्टॉक है जहाँ पे प्रॉफिट भी आ रहा है और सही टाइम पे सही स्टॉक को लेना है ये भी एक बात है ठीक है अगर सही टाइम पे सही स्टॉक में अगर एंट्री नहीं लेंगे तो भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगा तो वहां पे स्टॉक पंद्रह बीस परसेंट भाग जाता है उसके बाद में आप फिर एंट्री लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे आ जाते हैं पॉइंट में अगर आपके पास में टाइम नहीं है ये सारी चीज देखने के लिए सीखने के लिए तो आप मेरे साथ में जरूर जुड़ सकते हैं यहाँ पे अगर व्हाट्सएप में आप मेरे साथ में जुड़ जाएंगे तो वहां पर मैं आपको वीकली आपको चार्ट भेजता रहूँगा पंद्रह बीस चार्ट भेजता हूँ तो उसी हिसाब से आपको सही लेवल पे स्टॉक चल रहा होगा उसी टाइम पे आपको रिकमेंड करता हूँ वहीं पे आप ले सकते हैं उसके साथ में और कहाँ पे टारगेट तक लेके चलना है कौन सा टारगेट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है वहाँ पे चार्ट पे पूरा मेंशन होता है और काफ़ी सारा चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं डायरेक्टली फ़ोन टू फोन भी डायरेक्टली डिस्कशन करते हैं अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं नहीं तो व्हाट्सअप में आप मैसेज कर सकते हैं मेरे साथ में इस व्हाट्सअप नंबर में ठीक है छोटा सा एक प्रीमियम के साथ में वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं अभी इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक में अभी यहाँ पे कुछ दिन से कमजोरी देखने को मिला है और ऐसा नहीं कि स्टॉक में कमजोरी देखने को मिला है अभी मार्केट भी अभी इसी ट्रेंड में है मार्केट के साथ में स्टॉक में भी कंसोलिडेशन है लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए लेकिन अगर आप फ्रेश बाइक के लिए सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका पीछे की रीजन भी बताता हूँ देखिए स्टॉक में जब इतना जब भारी तेजी आता है ना वहां पर कुछ दिन तक स्टॉक में जरूर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे थ्री के पास में था थ्री से लेके स्टॉक कहाँ तक भागा है देखिए यहां पे फोर्टीन टाइम्स यहाँ पे अगर टॉप तक का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाइनटीन टाइम्स जब रिटर्न देता है स्टॉक में तो उस टाइम पे तो थोड़ा सा कॉन्सल्टेशन आएगा ना क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे कितना दिन में यहाँ पे नाइनटीन टाइम्स ग्रोथ हुआ है टू ईयर्स में टू ईयर्स में नाइनटीन टाइम्स मतलब बहुत भारी तेजी में स्टॉक भाग रहा था ठीक है तो उसके बाद में जब कंसोलटेशन हो रहा है तो अब भी अगर आपने अपर लेवल पे बाइंग किए हुए हैं तो ऐसा स्टॉक में हमेशा आपको बोलता हूं कभी भी कोई भी स्टॉक लेते हैं ना हमेशा ही के कितना भी जबरदस्त तेजी आ जाए कभी ना कभी स्टॉक हंड्रेड एंड मूवी एवरेज के पास में आएगा ही मैं आपको पहले भी हजार बार बताया हूं, आप जाके देख सकते हैं मेरा पुराना वीडियो बैक टेस्ट के लिए मैं सच में बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ हमेशा मैं बोलता हूँ अगर ग्रेट कंपनी है कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है कुछ भी हो जितना अच्छा कंपनी हो जा हो जाए लेकिन कभी ना कभी हंड्रेड डे मूविंग एवरेज के पास में जरूर आएगा उसके बाद में टू हंड्रेड ए मूवी एवरेज के पास में जरूर आएगा लेकिन मार्केट अगर छोटा अगर कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी है कभी कभी ऐसा हो सकता है हंड्रेड डे का मूविंग एवरेज के पास में नहीं आएगा सॉरी टू हंड्रेड ए मूवी हावरेज के पास में नहीं आएगा लेकिन हंड्रेड डे मूविंग एवरेज के पास में कभी ना कभी आएगा देखिए यहाँ पे आपने जरूर देखा होगा यहाँ पे हंड्रेड डे का मूविंग एवरेज के पास में आया था ना स्टॉक तो आपको इंतजार करना था आपने जब यहाँ पे इस लेवल पे बाइंग किए तो अभी कॉन्सोल्टेशन आया तो अभी आप पैनिक में सेल मत कीजिए मेरे हिसाब से आप सेल मत कीजिए आप होल्ड कर सकते हैं कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है उसी के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रहा है ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं उसी के साथ में कंपनी के प्रमोटर का हिस्सेदारी भी जबरदस्त है ठीक है एक जबरदस्त बिजनेस के साथ में है और यहाँ पे यहाँ पे एफ आई भी थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं ये एक पॉजिटिव फैक्टर है ठीक है उसके साथ में कंपनी के साथ में अगर आप देखेंगे ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी बोरोइंग धीरे धीरे पे करते जा रहा है अभी डेट फ्री की तरफ कंपनी धीरे धीरे बढ़ रहा है कुछ साल में यहाँ पे डेट फ्री भी हो सकता है ये कंपनी ठीक है उसी के साथ में ये सारा जो फिगर है ना ये बहुत बढ़िया है लेकिन एक चीज़ क्या है वैल्यूएशन कंपनी अभी बहुत अपर लेवल पे है तो अगर आपको बाइंग करना है मेरे हिसाब से अगर आप एंटर लेना चाहते हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए ये लेवल मुझे लग रहा है ये लेवल जरूर देखने को मिल सकता है अगर आगे मार्केट में थोड़ा सा ये होता है ये जो लेवल है ना इससे पहले इस लेवल पे स्टॉक जरूर एक बार आ सकता है क्योंकि आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे कुछ दिन तक ऐसे ही कंसोलिडेशन जब रहा तो यहां पे एक दिन में इंटरडे में एक बार यहाँ तक आया था स्टॉक उसके साथ में यहाँ पे भी एक बार आया था उसी के साथ में आप देखिए यहाँ पे कितना सारा कैंडल है उसी रेंज पे यहाँ पे है, बना हुआ है ठीक है अभी ऐसा भी हो सकता है इस लेवल पे आ सकता है फिर से दोबारा ठीक है जो दोबारा लेवल है फिफ्टी का लेवल पे अगर आपको बाइंग करना है स्टॉक पर आप बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो भी लेके चल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसी के साथ में आप बोलेंगे टारगेट क्या रखना है टारगेट भी बोल दो टारगेट आप बिल्कुल यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है तो आप यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं नहीं तो उससे पहले और एक भी पैटर्न बिल्ट हो रहा है मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा वो पैटर्न ठीक है आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक मल्टीपल कॉप बन रहा है ठीक है जिस हिसाब से यहाँ पे एक मल्टीपल कॉप बन रहा है तो इसमें कैसे होगा यहाँ पे एक कॉप बन रहा है उसके साथ में यहाँ पे एक कॉप बन रहा है उसके साथ में यहाँ पे एक हैंडल हो सकता है बन जाए ठीक है अगर हैंडल नहीं बनता है अगर नीचे तक आता है तो यहाँ पे और एक कॉप बनेगा तो इसी लेवल पे आपको बाइंग करना है ठीक है फिफ्टी का लेवल पे बाइंग करना है और टारगेट क्या रखना है तो टारगेट आपको यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं ठीक है यहां पे ये जो स्टॉक का टारगेट रहेगा आपका आप बिल्कुल इस लेवल तक का टारगेट लेके चल सकते हैं ठीक है जो कि 66 का लेवल तक आप टारगेट लेके चलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ए 66 का टारगेट जरूर देखने को मिल सकता है लेकिन आप अगर बोलेंगे कि अगर स्टॉक यहाँ तक नहीं आया नहीं आया तो छोड़ दीजिए ना स्टॉक मार्केट में कोई कम स्टोरी थोड़ी है कि कम स्टॉक यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलता रहेगा मुझे ऐसा लगता है मार्केट के सीनारियों के हिसाब से यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा और ही कप बना सकता है तो यहाँ तक जब आता है फिफ्टी का लेवल पे आप बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं और उसका जो टारगेट रहेगा तो यहाँ से लेके आप बिल्कुल ये लेवल तक रखिए अपने पास में ठीक है 66 का लेवल तक रखिए आपको 33 परसेंट का गेन इजीली एक साल में मिल सकता है हमेशा मैं एक चीज का जिक्र करता हूं फ्रेंड्स अगर आपने पुराना वीडियो जरूर देखा होगा आपको पता होगा आप जो बोलते हैं ना यहाँ पे 30 परसेंट में क्या बनता है थर्टी परसेंट में बहुत अच्छा एक पर्पज बन सकता है मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ में देखिए आप अगर ये बात बोले हैं कि नहीं हमें हंड्रेड परसेंट का गेन चाहिए तो हंड्रेड परसेंट का गेन के लिए आपको उसी हिसाब से एक्सपर्टीज लाना पड़ेगा उसी के साथ में फिर आपको रिस्क भी देखना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पे क्या है हम अपना खुद का पोर्टफोलियो खुद मैनेज करेंगे उसी के साथ में पैरेलली आप जॉब भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरा हंड्रेड परसेंट देना है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं आप जॉब कीजिए उसी के साथ में यही कीजिए ठीक है तो यहां पे देखिए एक लाख का आपने कर्पस लेके चला है एक लाख का कर्जस में है आपका थर्टी परसेंट का सीएजीआर रिटर्न आप लेके चल रहे हैं आपका टेन इयर्स में फोर्टीन टाइम्स ग्रो हो रहा है आपका पोर्टफोलियो देख रहे हैं ना तो इतना कहां पे रिटर्न मिलता है एफ में इतना भी नहीं मिलता है एफ में आपका दस साल में डबल होता है या तो फिर एट साल में नाइन ईयर्स में डबल होता है तो यहां पे देखिए ना आपका दस साल में जब फोर्टीन टाइम्स ग्रो हो रहा है और क्या चाहिए मुझे तो पर्सनली लगता है थर्टी मेरे लिए बहुत ज्यादा है ठीक है थर्टी परसेंट बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन है लेकिन ऐसा कभी कभी होता है मार्केट सिनारियों में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट तक मिल सकता है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है हमें थर्टी परसेंट भी अचीव नहीं होगा ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट तक होता हो सकता है लेकिन ओवरअली जो है ना आपका अगर आप देखेंगे तीन चार साल पांच साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपका ओवरअली थर्टी परसेंट का शेजर आपका आ जाएगा तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक रिटर्न बनता है ठीक है तो आप लगातार यहाँ पे कमा सकते हैं अगर स्विंग ट्रेड आप करेंगे ना लगातार आपका पैसे बनेगा कंसिस्टेंसली आप कमाएंगे और कंसिस्टेंसली आपका पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो ग्रो करके चलेंगे यहाँ पे हम 10 साल की बात कर रहे हैं सोचिए अगर 20 साल इसी हिसाब से कंसिस्टेंसी के साथ में आप बढ़ गए तो आपका कितना बड़ा पर्पज बन रहा है वन करोड़ नाइन्टी लाख रुपए बन रहा है ये बनेगा बनेगा लेकिन आप सीख समझ के करेंगे कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते चलेंगे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन रखना है सही टाइम पे एंट्री लेना है सही टाइम पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है कभी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ में एंट्री लेना है ठीक है ऐसे पेनी स्टॉक ये पेनी स्टॉक में ऐसा नहीं कि हर कोई पेनी स्टॉक है कुछ पेनी स्टॉक के अंदर में भी कुछ फंडामेंटल अच्छा है वो सारे स्टॉक को भी देखना है तो ये भी तो ये एक पेनी स्टॉक था ये ट्राइडेंट एंड तो ये भी तो एक मल्टी वैगर बना है ठीक है तो ऐसा सोच समझ के अगर करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया सा रिटर्न आपको मिल सकता है लेकिन अगर, अगर आपके पास में अच्छा पैसे हैं यहाँ पे एक लाख से ज़्यादा कर पसे तो आप बिंदा सा फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं उसके लिए भी रास्ता है ठीक है तो यहाँ पे कोई मेरा बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है अगर आपको इस स्टॉक में बाइंग करना है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए उसी बेसिस पे आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है आपको इस स्टॉक में अगर आप फंसे हुए हैं तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए लॉस बुक नहीं करना चाहिए अगर आपको न्यू एंट्री लेना है तो आपको मैंने जिससे लेवल बताया इस लेवल के हिसाब से आप एंट्री ले सकते हैं फ्रेंड ठीक है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ में अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है आप मेरे साथ में पर्सनली जरूर जुड़ सकते हैं लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रीमियम फीस भी है तो वो पे करके आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ में